नमस्कार दर्शकों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। सरकारी उपेक्षा के बावजूद भी क्षेत्र में अच्छी शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रयासरत सामाजिक संस्थाओं द्वारा मलावरा में एक और इंटर कॉलेज की नींव दीपावली के पावन पर्व पर रखी गई। संत श्री गणेश प्रसाद बाणी जी के नाम पर संचालित होने जा रहे इंटर कॉलेज का शिलान्यास दिगंबर जैन संत श्री सुप्रभ सागर एवं प्रणव सागर जी के मंगल सानिध्य में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत द्वारा किया गया। इस दौरान विधि विधान से भूमि पूजन कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम से पूर्व श्रमण रत्न सुप्रभ सागर जी द्वारा मंगल प्रवचन स्वरूप सभी को अपना आशीष प्रदान करते हुए कहा कि हमें सच्चे और समाज सेवा के प्रत्येक कार्य में कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 84,000 योनियों में मनुष्य को ही श्रेष्ठ बनाया गया है। इस मौके पर विद्यालय प्रबंध समिति के डॉक्टर शिखर चंद सिलोनिया ने बताया कि जन सहयोग से इस इंटर कॉलेज को आवासीय समेत एक महाविद्यालय तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध हो सके। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मलावरा से इमरान खान के साथ अभय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। फिर हम जो है आगे डिग्री कॉलेज एवं एक IIT चलाने के उसमें है, ताकि यहाँ के कम पढ़े लिखे जो नहीं पढ़ सकते हैं ज़्यादा, वो बच्चे स्वरोजगार में लग जाएं, उन वो अपनी अपने हाथ पे अपना काम करना चालू कर दें। तो IIT हम लोगों का एक और मुख्य उद्देश्य है कि इसके साथ साथ हम एक IIT और खोलें यहाँ। और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया है कि बालिका शिक्षा इंटर तक निःशुल्क दी जाएगी, तो ऐसे में सरकारी प्रयास क्या है मड़ावरा के लिए, सरकारी विद्यालय के लिए सरकार के कोई प्रयास हो तो वो बताएं। देखिए, सरकार के द्वारा हमारे देश के उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अभी अटल विद्यालय की स्थापना की जा रही है और उसमें सरकार के द्वारा एक हमारे क्षेत्र की मेहरौनी विधानसभा की जमीन भी दे दी गई है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये विद्यालय बनाया जाएगा और उसमें हमारी सरकार पूरा सहयोग करेगी और इंटर के तक के लड़के या लड़कियां जितनी में होंगी सब फ्री रहेंगी, उनमें उनके लिए जूते मोजे कपड़े खाना भोजन रहना सब उनके लिए फ्री रहेगा। और ये विद्यालय हमारे मेहरौनी विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कहीं हर जगह विद्यालय खोले जा रहे हैं। मेहरौनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और आज इस संस्था के शिलान्यास में आप आए हैं, तो विशेष सहयोग उसके लिए क्या होगा आपकी तरफ? हमारी तरफ से तो देखिए, अभी नया विद्यालय होने जा रहा है और हम अपनी तरफ से ये सहयोग कर सकते हैं कि जो रोड यहाँ पर नहीं बना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके, और वो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का रोड है, वो रोड में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और इस रोड का ज़रूर काम कराऊंगा, इसमें कोई कमी नहीं।